हाय गाइस, मेशा ही और आप सबका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया BY MM1 जो माइक है उसी को लेके, और आज उसी को अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू कैसा है वो बातें करेंगे उसके लेकर, और जानेंगे ये कितना अच्छा है और ब्लॉगिंग के लिए कितना अच्छा रहता है। बेसिकली ये जो माइक है ये सिर्फ ब्लॉगिंग में यूज़ किया जाता है, वैसे हम लोग बस आउटडोर में इसका शूट करते हैं। ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा माइक बोला जा सकता है और फीडबैक भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, जैसे आप ऑनलाइन मार्केट में सर्च करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये है वो बॉक्स, और अभी फिलहाल बॉक्स को काट लेते हैं। तो ये बोया BY MM1, और अगर सामने देखो तो बोया का ब्रांडिंग है, और अगर नीचे की तरफ देखो तो इसका फीचर्स है जो आप लोग देख सकते हो, जो कैमरा में सपोर्ट होता है, DSLR में और टैबलेट में सभी कुछ में सपोर्ट हो जाता है, और नीचे इसका स्पेसिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हो, तो देख लीजिएगा। और अभी फिलहाल बॉक्स को खोल लेते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पैकेजिंग तो बहुत बढ़िया क्या भाई। तो ये बोया का गाइड बुक है, जो बोया माइक आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर कुछ है तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये तो हमारा डील बुक है, इसको हम साइड में रखते हैं। ये एक वारंटी कार्ड है, वारंटी आप लोग क्लेम कर सकते हो, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये क्या, बोया का दो दो स्टिकर दिया हुआ है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब देख लेते पूरा माइक को क्या क्या है इसके साथ, इसको निकालते हैं। ये वो माइक, इसको साइड में रखते, और एसेसरीज देख लेते। यहाँ पे एक केबल दिया हुआ है जो मोबाइल के लिए है, यह मोबाइल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल का सिंबल भी दिया हुआ है, मोबाइल का यूज़ करने के लिए। और ये जो दूसरा केबल है ये आप लोग ब्लॉगिंग के टाइम जो कैमरा में यूज़ करेंगे उस टाइम लगाने के लिए, कैमरा या फिर एक्शन कैमरा जो भी है उसमें लगाने के लिए ये वाला दूसरा केबल है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये एक जो स्टैंड है जो मोबाइल में, जो मोबाइल या फिर कैमरा किसी में व्यापार लगाना चाहते हो तो माइक के साथ अटैच करके लगाना है इसको। और ये एक बढ़िया चीज़ दिया है जो मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोला हूँ, खाने के लिए, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कभी भी मत खाएगा, ये सिलिका जल है तो चीज़ ख़राब ना हो इसीलिए देता है लोग। और ये एक पैकेट अच्छा है, देख लेते हैं, इसको भी साइड में रखते थे। अब फिर पूरा माइक को देख लेते हैं। तो यही कुछ माइक है, और इसका मैं अगर खोलूँ तो खोलने के अंदर कुछ इस तरह का है, और इसमें कुछ बैटरी का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाता है, बस केबल लगाओ और कनेक्ट कर दो मोबाइल या फिर कैमरा जो भी हो जिसके साथ भी कनेक्ट करके लगा दे। ये भी अच्छा दिया है, ये विंडशील्ड जो दिया हुआ है ये भी बढ़िया है, इसको भी अब जब बाहर ब्लॉगिंग करोगे तो, एक्चुअल में तो ब्लॉगिंग है तो फिर बाहर जब ब्लॉगिंग करोगे तो बहुत नॉइस है, तो नॉइस कंट्रोल करने के लिए ये दिया हुआ है। तो यही कुछ है, और देखते हैं और क्या क्या इस तरह का ये बयान किस तरह का रहता है, और बाकी बाद में यूज़ करके देखेंगे। वैसे अभी जो आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है वैसे वो सी माइक का ये साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा है, जो अभी मैंने अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाया उसी का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि ये माइक किस तरह से काम करता है। अभी मेरे रूम पर फैन चला के रखा है, वो भी फुल स्पीड में फैन चला के, टेबल फैन जो है वो फुल स्पीड में चला के रखा है, सीधा माइक की तरफ रखा है कि यही देखने के लिए कि यह कितना अच्छा माइक है और कितना विंड को प्रोटेक्ट करता है, विंड से कितना अच्छा रहता है। तो आप लोगों को शायद पता चल चुका है।
उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा और आज का जो अनबॉक्सिंग किया है मैंने और आप लोगों के साथ शेयर किया है और उम्मीद है आप लोगों को जो जानकारी वो पूरी तरह से मिल चुकी है। तो इसी तरह मैं भी मिलते रहूँगा आप लोगों से और भी मज़ेदार कंटेंट लेके। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।